बट खैर कम ऑन केएल, ओ बहुत बढ़िया बॉल, और विराट कोहली आउट हो चुके हैं। एक्स्ट्रा बाउंस मिला 32 for 3, इंडिया इन अ स्पॉट ऑफ बॉर्डर, एकदम से बॉल इतनी उठी है एंड विराट कोहली स्ट्रबल्स कंटिन्यू ब्रदर। बहुत बहुत मुश्किल दौर ये चल रहा है विराट कोहली के लिए, जब ना पेस खेली जा रही है ना स्पिन खेली जा रही है। एक और फेलियर फॉर द किंग विराट कोहली, इतना हाइप होने के बाद। वो तस्वीरें दिखाइएगा जो मैंने आपको भेजी थी, सारी ऑस्ट्रेलियन मीडिया में एक ही बात हो रही थी कि किंग कोहली क्या करेगा। कोहली के जैसे प्लेयर्स ने टेस्ट क्रिकेट को अलाइव रखा हुआ है, ये बात कर रहे थे एलन बॉर्डर, राइट, युगों की लड़ाई हिंदी में टाइटल ला रहा है, स्वागत है इंडिया आपका। और विराट कोहली 12 रन बनाकर, 12 गेंदों में 5 रन बनाकर चलते हुए हैं, एक और फेलियर। वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विराट वंस अगेन, और इतने फेलियर, एक फेलियर के बाद दूसरा फेलियर के बाद तीसरा फेलियर। इंडिया में आप व्हाइट वॉश होते हैं, वहां पे विराट कोहली के स्कोर नहीं आते, स्पिनर्स उनको पकड़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आते हैं पर्थ के अंदर जॉश हेजलवुड उनको सेटअप करके आउट करता है, आप जो मर्जी बोल लो भाई, कभी वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप आउट हो जाते हैं, कभी उनके लिए एक्स्ट्रा बाउंस हो जाता है, कभी उनको स्पिनर की बॉल नजर नहीं आती। विराट कोहली स्ट्रगलिंग बिग टाइम एंड दिस माइट बी क्लियर पैड पे बॉल बैट लगा है यार, ये केएल राहुल को कैसे आउट दे सकते हैं। और थर्ड अंपायर आई थिंक रिचर्ड इलिंगवर्थ थे, उन्होंने यार बहुत गलत आउट दिया है। इस एंगल से हमें ही देख के पता लग रहा है बॉल निकल गई और बल्ला पैड पे लग रहा है, और उन्होंने जो है वो आउट, इतना अच्छा खेल रहा था केएल राहुल, आज किस्मत भी खराब है। और आप देख लो गरिया मार मार के चपेटे तुम्हारे मुंह लाल कर दिए उसने, खेला जा नहीं रहा, बुजदिलों की तरह खेल रहे हैं वहां पे। अभी हुल्ली गुल्ली को और खिला रहे थे सरफराज खान को, अब वॉशी बचा ले, ऋषभ पंत बचा ले, 100 रन बना लोगे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं जी, हम तो सोचते नहीं है जी, जो हो गया वो हो गया, न्यूजीलैंड की जो हार थी उसके बारे में हम क्यों सोचेंगे जी, ऑस्ट्रेलिया पे ज्यादा प्रेशर होगा, हम 2 बार जीत चुके हैं जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो सोचेंगे हम क्या सोचेंगे। मैं अपनी शक्लें देख ही नहीं जा रही शीशे में, व्हाइट वॉश होके जा रहे हो न्यूजीलैंड से, पुजारा है नहीं तुम्हारा असली पे, हो रहाने खेल नहीं रहा, ये बच्चे बच्चों को लेकर जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जायसवाल जी लप्पे घुमा रहे हैं, DDP को खुद नहीं पता मैं प्लेयर हूं कि मैं क्या हूं, कोहली साहब अपनी शक्तियां वैसे ही भूल चुके हैं, जुरेल से क्या उम्मीद लगानी, अभी नीतीश रेड्डी और ये वॉशी, छोड़ो यार आप सुबह सुबह मतलब इतना एंटिसिपेशन के बाद आपने BGT में के जी हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में 2 बार जीत चुके हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी इतनी अच्छी नहीं है यार। या पर टीम तो वही है ना, मैं आपको बार बार, टीम अच्छी हो जो मर्जी हो खेल तो यही रहे सारे एक साथ। और मिच मार्श में बोल रहा था, मार्श ने बॉलिंग कब कराई है लास्ट बता। हाँ तो मार्श ने बॉलिंग नहीं कराई, लास्ट ही कराई है, लास्ट टेस्ट मैच खेली है मार्च में खेल रहे थे ये टेस्ट मैच, ODI में इनकी धजियां उड़ा के रख दी थी पाकिस्तान ने, पाकिस्तान से ODI सीरीज हार गए थे, बैटिंग होनी रही थी, आपको सिर्फ यहां पे 200 रन बनाने थे, ये हार जाते मैच, 275 रन नहीं बना पा रहे तुम तो, कभी 36 कभी 46 कभी 100, बुरे हाल है जी, बहुत बुरे हाल है यहां पे, जिस तरीके से लगातार बार बार, अब यही है ना कि ध्रुव जुरेल की पहली इनिंग्स में क्या ही बोलेंगे कि खराब हो गया, ना रन बनाए उन्होंने, 5 विकेट उड़ा दिए ले, अब ऋषभ पंत अपने अंदाज में खेलेंगे, चलो कुछ जो वो करते हैं रन तो आए, यही होता है हर बार। उसके बाद ऑप्शन क्या है, अब उसको पता है भाई मैं आउट नहीं होऊंगा, ये सामने वाले से तो ढीठ के बच्चे सारे के सारे आउट हो जाएंगे, होगा क्या ये, जो थोड़े बहुत रन बन जाए बना लो, उसको तो पता है ना कि इन ढीठों ने तो आउट होके ही मानना है, मैंने अकेले रह जाना है, इससे अच्छा तो मैं घुमा घुमू के जितने रन आ रहे हैं उतने आ जाए, बाकी तो किसी ने टिकना नहीं क्रीज के ऊपर, तो वो अपना उल्टा सीधा लप्पे घुमाएगा बाकी खत्म है। खैर इतना भी अगली शॉट नहीं खेलना चाहिए था पंत को, ये तो बिल्कुल ही मतलब एक तरह की से इरिस्पॉन्सिबली शॉट हो गई, और मारी भी किसको है, पूरा होमवर्क करके आए, एक भी नई बॉल के साथ तो जो बॉलिंग कराई है पहले सेशन में, अरे यार ऐसी बात नहीं, जारी होती है आपसे बैटिंग होती नहीं, और लगता है कि भैया बड़ी खतरनाक पिच है जी बैटिंग के लिए, या तो बॉलर्स के लिए पैराडाइज है, वो बैटिंग करने आएंगे ऐसा लगेगा भाई बॉलर्स विकेट ही नहीं ले सकते, ये तो पिच ही चेंज हो गई, अब बैटिंग पिच बन गई है।
ना हमसे बॉलिंग हो रही है ना बैटिंग हो रही है, कप्तान हमारा है नहीं, लेजेंड से हमारे से आजकल पता नहीं उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं कृष्णादास के कीर्तन में आया हुआ हूं कि मैं क्रिकेट खेलने आया हुआ हूं। बाकी डीडीपी वगैरह तो वैसे नहीं उनको पता कि हम क्रिकेटर बने क्यों हैं लाइफ के अंदर। जायसवाल जी साउथ अफ्रीका जाते हैं तो डब्बा गोल है, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो उनको होश नहीं है, शुभमन गिल के हाथ टूट गए हैं, हमारी किस्मत फूट गई है, पता नहीं सुबह सुबह क्या करने के लिए उठे थे भाई अलार्म लगा के, इससे तो सो जाते, मतलब उठते दोपहर को देखते ऑल आउट हो गए जी, खुश है जी, चलो टेंशन खत्म, ये तुम तड़पा तड़पा के मार रहे हो, हलाल कर रहे हैं। अरे बहुत बुरे, मैं कह रहा हूँ इतने बड़े बड़े नाम आपके वहां पे मैनेजमेंट में बैठे हुए, क्या किसी ने जयसवाल को बताया नहीं था कि ऑन दी आप नहीं खेलते हैं नई बॉल पे? कौन ऑस्ट्रेलिया में बड़े नाम कौन है बताइए? कबीर साहब है ना। अच्छा, और खेला नहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर 22 की एवरेज, तो फिर जब बैटिंग में भरोसा ही नहीं है यार, बूमर चौड़े होके आपने बैटिंग करा ली, बुमराह को ये क्या पता था कि देवदत्त पडिकल 23 बॉल, वो कह रहा हूं गोल्डन एरा, आउट था गोल्डन एरा, इनके साथ वो प्रॉब्लम नहीं था, बैट पैट गए तो बहुत दूर थे, लफ पे लग गया, ये तो वाशी का दिखा रहा है, वाशी का है। अबे यार थोड़ी देर चुप रह ले आप, रेडी उस टाइम पे कम ऑन वाशी, उसी बॉल पे चलता बना उधर रेडी, डब्ल्यूडीसी फाइनल जब देख रहे थे वहां पर वैसे ही, केएस भरत को कहता है आपसे बड़ा मनहूस मैंने जिंदगी में नहीं कहता, केएस भरत को कॉन्फिडेंट आपसे बड़ा मनहूस जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा बाय द वे। इसमें मनहूस की क्या बात है, है मनहूस, आप जब जब बोलो कमॉन वॉशी बोला बंदा आउट हो गया यार, ये तो मानवेंद्र प्रताप बोल रहे बीसीसीआई टू वीवीएस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले दो महीने से भारत से यही आवाजें आ रही थी कि पर्थ टेस्ट मैच और जब ऑस्ट्रेलिया में जाकर ये खेलना शुरू हुए हैं। आज दोस्तों टेस्ट मैच के पहला दिन था तो देखिए कि भारतीय टीम का हाल क्या हुआ है, 78 रन पर 6 आउट हो चुके हैं और ये टेस्ट मैच मैक्सिमम 5 दिन चलता है, कम से कम तो दोस्तों 4 दिन तो वो चलता ही है, ऐसा लगता है कि इंडियन टीम आज ही 2 बार आउट हो जाएगी और इंडियन टीम का काम आज ही तमाम हो जाएगा। दोस्तों बहुत बड़े बड़े नाम इसमें शामिल किए गए थे, यशस्वी जायसवाल तो 0 पर ही आउट हो गया, केएल राहुल ने 74 बॉलें खेली हैं 26 रन बनाए और एक और इन्होंने न्यू बंदा डाला है जिसका नाम है पडिकल, दोस्तों 23 बॉलें खेली 0 रन और विराट कोहली 12 बॉलें 5 रन, ऋषभ पंत अभी खड़े हैं और दोस्तों उसके बाद ध्रुव जरेल ये भी एक नया बंदा है, ये भी 20 पर 11 बनाकर आउट हो गया, वाशिंगटन सुंदर 15 पर 4 और अभी तो दोस्तों थोड़े थोड़े इनके बॉलर ही रहते हैं जिनमें हर्षित राणा है, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज यही बंदे रहते हैं, ये बॉलर आकर कितने रन बना देंगे, वो टेस्ट मैच जिसमें आपको 300 से 350 रन कम से कम चाहिए होते हैं वहां पर इंडिया 78 पर 6 हो गया है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया 150 के अंदर ही निपट जाएगा। ये वो इंडियन टीम है जो कहती है कि हम चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में आकर नहीं खेलते, आपके खेलने की औकात क्या है? इस पाकिस्तान ने इस ऑस्ट्रेलियन टीम को घर पर ओडीआई में लगभग वाइट वॉश ही किया था, पाकिस्तान 2-1 से जीता और दोस्तों जो हारा पाकिस्तान वो मैच भी बहुत ही ज्यादा करीब जाकर हारा था, इनकी तरह तो हमारे कभी भी इतने बुरे हालात नहीं हुए और वो भी दोस्तों टेस्ट मैच में जो 5 दिन चलता है। हमने वनडे में इसी ऑस्ट्रेलियन टीम को पहले उनकी सीनियर टीम को हराया, फिर उनकी जो जूनियर टीम थी उसे भी हराया, हमने किसी को भी नहीं छोड़ा और ये कहते हैं कि हम चैंपियन ट्रॉफी में नहीं आते, आपका हाल तो ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कर दिया है कि आप तो किसी जगह पर जाने के भी लायक भी नहीं रहे।